हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज की क्लास में हम आपको थ्री डिजिट से सबट्रैक्शन कराने वाले हैं। इसके पहले हमने वन डिजिट का सबट्रैक्शन, टू डिजिट का सबट्रैक्शन करा दिया है, साथ में एडिशन भी कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाना, आपको मिल जाएगा। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं। भाई सबट्रैक्शन होता क्या है? सबट्रैक्शन को हम कहते हैं घटाना। घटाना मतलब कमी कर देना। जैसे कि हमने आपको बताते हैं, जैसे कि ये हमारे पास कुछ ब्लॉक्स हैं, ठीक है। हमारे पास चार ब्लॉक्स हैं। हमने कहा कि एक को हम घटा देते हैं या एक को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या एक की कमी कर देते हैं। तो एक की हमने कर दी कमी। अब हमारे पास कितने बचे हैं? तीन बचे हैं ना, तो इसी को ही कहते हैं सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबट्रैक्शन आखिर होता क्या है, ठीक है। सबट्रैक्शन का साइन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इस तरीके से छोटी सी या लेटी हुई रेखा इसको कहते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? यहां से स्टार्ट नहीं करना है, मतलब कि आपको थ्री में से वन माइनस करके आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको लास्ट से स्टार्ट करना है, वन में से वन को माइनस करना है। तो जैसे कि हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है? वन दिख रहा है, तो हमें कितनी लाइन ड्रॉ करनी है? वन लाइन ड्रॉ करनी है। वन के नीचे क्या है? वन के नीचे वन लिखा है, मतलब जितनी भी लाइन थी उसमें से वन लाइन कट करनी है। तो भाई हमारे पास एक ही लाइन थी, एक ही लाइन हमने कट कर दी, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अब आपको पता होगा कुछ भी नहीं को हम क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं, जीरो कहते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? शून्य, जीरो, ठीक है। अब हम देखते हैं, इस पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा नंबर लिखा है? यहाँ पे हमारा टू लिखा है, तो हमें कितनी लाइन ड्रॉ करनी है? वन टू, टू लाइन ड्रॉ करनी है। हमने यहाँ पे टू लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब टू के नीचे क्या लिखा है? भाई टू के नीचे वन लिखा हुआ है, तो हमें कितनी लाइन काटनी है? वन लाइन काटनी है। तो वन लाइन हमने काट दी। अब बिना कटी हुई लाइन कितनी है? तो बिना कटी हुई लाइन सिर्फ एक है, तो एक हमारा यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया जाएगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट को। ये है हमारा थ्री, कितना लिखा है? थ्री, तो हमें कितनी लाइन ड्रॉ करनी है? थ्री, जो ऊपर नंबर लिखा होता है उतनी लाइन ड्रॉ करनी होती है, जो ऊपर के जस्ट नीचे नंबर लिखा होता है उतनी लाइन काटनी होती है। तो थ्री के नीचे कितना लिखा है? वन, तो हमने वन लाइन को कट कर दिया। अब हमारे पास कितनी बिना कटी हुई लाइन है? वन टू, टू लाइन्स है, तो टू को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारा आंसर क्या आ गया है? 210 हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लास्ट से हमें स्टार्ट करना है, तो लास्ट में क्या लिखा है ऊपर? एट, तो कितनी लाइन्स ड्रॉ करनी है? एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। नीचे क्या लिखा हुआ है? टू, तो हमें कितनी लाइन्स कट करनी है? टू लाइन्स हमें कट करनी है, वन टू। अब हमारे पास बिना कटी हुई कितनी लाइन्स है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स है हमारे पास, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? सिक्स लिख देंगे, ठीक है। इनको हम फिंगर्स पे भी समझते हुए चलेंगे। तो हमारे पास कितनी है? कितना लिखा हुआ था? एट लिखा था, तो हमने एट फिंगर ओपन कर ली, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, सिक्स सेवन एट, एट फिंगर ओपन है। इनमें से टू फिंगर्स को हमने बोल दिया सोने को जाओ, टू लिखा है ना नीचे, टू फिंगर को सुला दिया। अब हमारे पास कितनी फिंगर है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स आ गया है। अब हमारे पास ऊपर क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा हुआ है टू, तो हमने यहाँ पे टू लाइन्स ड्रॉ कर दी। टू के नीचे लिखा है वन, तो वन लाइन कट कर दी। अब हमारे पास क्या बचा है? वन लाइन बची है, तो हमने यहाँ पे वन लिख दिया। फिंगर पे समझते हैं, तो यहाँ पे लिखा है टू, और टू में से वन लाइन को सोने को बोल दिया। कितनी लाइन जाग रही है? वन लाइन जाग रही है। इनको हम ब्लॉक्स में भी समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास टू ब्लॉक थे, टू में से एक ब्लॉक आपने ले लिया, आप हमारे पास कितना बचा? एक ब्लॉक बचा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे लिखा है सिक्स, तो हमें कितनी लाइन ड्रॉ करनी है? सिक्स लाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। सिक्स के नीचे लिखा हुआ है थ्री, तो थ्री लाइंस को कट कर देना है, वन टू थ्री। अब हमारे पास बिना कटी हुई कितनी लाइंस है? वन टू थ्री,
थ्री लाइन्स है तो थ्री को हमने यहाँ पे लिख दिया, तो हमारा आंसर क्या हो गया है 316, 316। इसको हम फिंगर्स पे समझ लेते हैं, तो ये रहा हमारा 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है, 6 में से 3 फिंगर को सोने को बोल दिया, 3 फिंगर सो गई। कितनी फिंगर जाग रही है? 3 फिंगर जाग रही है। ब्लॉक पे समझ लेते हैं, तो भाई कितने ब्लॉक चाहिए हमें? 6 ब्लॉक चाहिए, 6 लिखा है ना ऊपर, तो ये है हमारे टोटल 6 ब्लॉक, 6 में से 3 ब्लॉक आपने ले लिए, तो हमारे पास कितने ब्लॉक बचे हैं? 3 ब्लॉक बचे हैं, ठीक है, तो 3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है कंप्लीट, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करते चलना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब करके जाना। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे लास्ट में क्या लिखा है, 9 लिखा है, तो हमें कितनी लाइन्स ड्रॉ करनी है? 9 लाइन्स ड्रॉ करनी है, यहाँ पे कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के नीचे कितना लिखा है 5, तो हमें कितनी लाइंस कट करनी है? 5 लाइंस कट करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 लाइंस ही कट करनी थी, तो हम फिर से आपको दिखा देते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 लाइंस कट करनी थी, ज्यादा नहीं कट करनी है, 5 सी कट करनी है। अब हम देखेंगे हमारे पास बिना कटी हुई कितनी लाइंस है, तो भाई 1, 2, 3, 4, तो हमारे पास 4 लाइंस हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 4। फिर अब यहाँ पे क्या लिखा है, अच्छा तो फिंगर्स पे भी देख लेते हैं, 9 है ना, तो ये है हमारे 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 फिंगर्स हैं, 5 फिंगर्स को बोलाए जाओ, तो ये हमारी 5 थी ना, 5 फिंगर्स चली गई, कितनी फिंगर्स बची, 1, 2, 3, 4, 4 बची ना, तो 4 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 5, तो कितनी लाइंस कट करनी है, ड्रॉ करनी है 5, 1, 2, 3, 4, 5, और 5 के नीचे क्या लिखा है, 5 के नीचे लिखा है 3, तो हमें 3 लाइंस कट करनी है, 1, 2, 3, अब बिना कटी हुई लाइन कितनी है, 1, 2, 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, फिंगर्स पे देख लो, ये है हमारी 5, 3 फिंगर हमारी सो गई, 2 फिंगर अभी भी जाग रही है, तो 2 आंसर हो गया। अब लिखा है हमारा नेक्स्ट 7, तो हम यहाँ पे 7 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब 7 के नीचे क्या लिखा है, 7 के नीचे लिखा है 4, तो 4 लाइंस कट कर देंगे, 1, 2, 3, 4, अब हमारे पास बिना कटी हुई कितनी लाइंस है, तो बिना कटी हुई लाइंस है हमारे पास 1, 2, 3, 3 लाइंस है, तो 3 को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया है 324। इसको फिंगर्स पे भी देख लेते हैं, ये है हमारे 7, 7 में से 4 फिंगर, 1, 2, 3, 4, 4 फिंगर सो गई, 3 फिंगर हमारी जाग रही है। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया हमारे सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन। ठीक है, क्लास पसंद आई हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने मम्मा से कहना सबको शेयर कर दे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, कल हम पढ़ेंगे हासिल वाले जोड़, तो भाई चलते हैं और बाय बाय करते हैं, बाय बाय।